हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पेनाडेनस वेरीगेटेड प्लांट दिखा रही हूँ। इसको पाइन स्क्रू प्लांट भी कहते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसकी लीव्स येलो लीव्स होती हैं, येलो एंड कॉर्नर्स में ग्रीन होता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। काफ़ी टॉल हो जाता है ये। पॉट्स में भी इसकी हाइट 2 फीट तक जा सकती है। अभी तो मेरा काफ़ी हाइट नहीं ली है इसने, पर इसको अगर बेटर कंडीशंस मिलें तो काफ़ी टॉल हो जाता है ये। ये प्लांट भी अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए, अगर आपके पास बहुत सारी लैंड है और आपको वहाँ पे अपने गार्डन बनाना है तो एक ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है। एक प्लांट ये भी होना ही चाहिए। पेनाडेनस का प्लांट भी ज़रूरी है, वेरीगेटेड पेनाडेनस भी लगाइए, जिससे एकदम से सुंदर हो जाता है गार्डन, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं बहुत ही सुंदर हैं और ये टॉल भी बहुत हो जाता है। काफ़ी ब्रॉड एंड टॉल दोनों तरह से बढ़ता है ये, तो बहुत सुंदर होता है। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं। बट इसकी लीव्स की वजह से बहुत सारे लोग इसको स्पाइडर प्लांट समझने की भूल कर देते हैं, पर स्पाइडर प्लांट नहीं है ये। स्पाइडर प्लांट्स में रनर्स आते हैं, इसमें कोई रनर्स नहीं आते हैं। और ये बहुत टॉल हो जाता है। वैसे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सनी एरिया में नहीं रखना है, इसको बहुत धूप पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप से इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो जली जली सी हो जाती हैं, तो इसको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी धूप आती हो, कुछ फ्यू आवर्स धूप, 1-2 घंटे की धूप आए। ज़्यादा सनी एरिया उसको बहुत पसंद नहीं है। अभी तो छोटा ही प्लांट है मेरा भी, तो अभी तो रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है। पर जैसे जैसे बड़ा हो जाता है और मैच्योर हो जाता है तो एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है ये भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक कंटिन्यूस सप्लाई, वाटर सप्लाई चाहिए होती है इसको। इसके लिए वेल ड्रेन पॉट जो चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल ही यूज़ करनी है इसमें। और एवरी 15 डेज मैं इसमें कोई अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ इसकी ग्रोथ के लिए। और इसकी लीव्स शाइनी लीव्स होती हैं, इसकी शाइनिंग जिससे हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए इसको कुछ ना कुछ 15 डेज में मैं कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करूँ एवरी 15 डेज। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसकी लीव्स भी और ब्रॉड हो जाएंगी, वही और भी खूबसूरत हो जाएगा। अभी भी बहुत सुंदर है ये। इसको भी लगाने के लिए एक बड़े ही पॉट का यूज़ करना है, एक बिग पॉट लगाएं। शुरू से ही इसको एक बड़ा पॉट दें, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। देखिए कितना खूबसूरत है ये, वेरीगेटेड पेनाडेनस है। ये भी मेरे गार्डन को ब्यूटीफाई कर रहा है। बट जब इसका डॉर्मेंट टाइम होता है, जो विंटर्स में ही होता है, तो विंटर्स के टाइम पे इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। देखिए कितना खूबसूरत है। अभी तो मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है ये। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, हो सकता है मुझे इसका पॉट और बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र करना पड़े, तब मैं इसको ट्रांसप्लांट करके बड़े पॉट में कर दूंगी। और इसमें इसका प्रोपोगेशन जो है वो नीचे से, यहाँ से नीचे से ही होता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो साइड से ही, यहाँ से इसको नीचे से इसके न्यू प्लांट्स आएंगे, तो नीचे से इसको अलग करके न्यू प्लांट्स निकाल के नए पौधे बन जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है।
धूप चाहिए इसको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छांव में चलेगा, छांव में अच्छे से नहीं चलेगा ये, धूप तो चाहिए, बट ऐसा धूप में का ऐसा एरिया हो जहाँ पे थोड़ी छन छन की धूप आती हो, या थोड़ा धूप की गर्मी रहे और पूरा एकदम सन, डायरेक्ट सन में ना हो, नहीं तो उसकी लीव्स जल जाती हैं, फिर इतना सुंदर नहीं लगता है ये। वो फर्टिलाइज करते रहना है, बट विंटर्स में इसको मंथ में एक बार ही फर्टिलाइज करना है, ज़्यादा तब ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज एवरी 15 डेज कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करता है। काफी सुंदर प्लांट है, इसको लगाइए, गार्डनिंग करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।